कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर, मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान। अहो मोछुओ आचार्य भगवान एक लघु सूत्र बोल रहे हैं, विस्मृति दुतम। अहो भव्य आत्माओ कर्मातीत होना है, कर्मातीत होना है तो भूल जाओ, अतीत को भूल जाओ। जो अतीत को भूल जाता है वो कर्मातीत हो जाता है, जो अतीत को नहीं भूल पाता है वो इस संसार में भ्रमण करता है। जो भूल गए वो कर्मों से छूट गए, और जो भूल नहीं पाए वो आज कर्मों में बंधे हुए हैं। पुष्प डाल मुनिराज 12 वर्ष तक अपनी एक आक्षी स्त्री की याद करते रहे, वो भूल नहीं पाए। वस्तु को छोड़कर तो आ गए लेकिन दृष्टि को छोड़कर नहीं आ पाए। ऐसे ही हे साम्य सागर, अगर तू घर छोड़ आया, परिवार छोड़ आया, मित्रों को छोड़ आया, सबको छोड़ आया, लेकिन छोड़कर तो आ गया लेकिन दृष्टि को नहीं छोड़ पाया, तो यही समझना तुम अभी कुछ छोड़कर नहीं आए। कन्नू भैया आप यहां भी आए हो ना, कुछ भूल कर आए हो। क्या भूल कर आए? सब कुछ भूल कर आए लेकिन सब कुछ नहीं भूले आप। जिस दिन सब कुछ भूल जाओगे, नियम से मानना, उस दिन सिद्ध सिला पर विराजमान हो जाओगे। यहां पर भी बैठने के लिए आपको कुछ भूलना है, सब कुछ भूलने के लिए, सिद्ध बनने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, और मुनि बनने के लिए भी कुछ भूलना पड़ेगा। स्मृतियां हमें भाव भाव में भटका रही हैं। एक स्मृति के कारण जीव अनेक भवों तक भटकता रहता है। कमट का जीव मात्र एक स्मृति के कारण 10 भव तक पार्श्वनाथ भगवान पर उत्सर्ग करता रहा, मात्र एक स्मृति के कारण। किस स्मृति के कारण? मात्र मुझे पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग करना, बैर कर उनसे कसाय बांध ली। 10 भव तक वह जीव पार्श्वनाथ भगवान को पेड़ता रहा, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान सब कुछ भूल गए थे। वो भगवान बन गए, किसके बल पर? सब कुछ भूल गए थे, स्मृतियां भूल गए थे। जिनकी स्मृतियां याद हैं वो स्मरण करते हैं सब कुछ। भगवान के सामने पहुंचने के बाद भी भगवान का चेहरा नहीं दिख रहा, भगवान के सामने पहुंचने के बाद भी भगवान का चेहरा नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम अभी भूले नहीं। हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में, हमारे दिल में क्या चल रहा है? घर में क्या हो रहा होगा? मुझे आज कौन सी सब्जी बनाना है माताओं, ये चल रहा है। इसलिए हम भगवान को भी नहीं देख पा रहे, भगवान को भी नहीं देख पा रहे। गुरु के पास भी गए तो सुधीर भैया हम कौन सी बात कर रहे? घर की बात कर रहे, घर की बात कर रहे, निज घर की बात भी नहीं कर रहे। अगर निज घर की बात करते तो सिद्ध, सच मानना, तुम भी सिद्ध बन जाते, तुम भी भगवान बन जाते। अभी मात्र तुमने कुछ छोड़ा नहीं है, ना कुछ भूले हो। यहां भी बैठे
दस वर्ष पूर्व का आज तक आपको याद होगा, लेकिन कल के प्रवचन आपको याद नहीं होंगे कि आचार्य भगवान ने क्या बोला। क्यों? हम सुनते हैं लेकिन गुनते नहीं हैं। सुनने के बाद भी अगर हमारे अंदर वह बैठ जाए तो निश्चित मानना तुम्हारा कल्याण सुनिश्चित है। जो भूल नहीं पाते वो पागल हो जाते हैं, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मात्र भूल क्यों भूल नहीं पा रहे, वही जीव डिप्रेशन में जा रहा है। एक घर के कोने में बैठा है और सुमित भैया अपनी पूर्व की स्मृतियों को याद कर रहा है, पूर्व के स्मरण को याद कर रहा है कि मैंने क्या किया, अब मेरा क्या होगा। बस एक ही चिंतन चल रहा है, अगर वो सब कुछ भूल जाए, वो सब कुछ भूल जाए तो नियम से मानना वह भी भगवान बन जाए। भूल नहीं पा रहा इसलिए कर्मों से छूट नहीं पा रहा है, भूल नहीं पा रहा इसलिए निर्गंत मुनि नहीं बन पा रहा है, भूल नहीं पा रहा इसलिए अपनी आत्मा को नहीं याद कर पा रहा है। बस याद कर रहा है किसकी, किसकी याद कर रहा है? पुरानी बातें, पुरानी बातें और पुरानी रातें, वही याद करते करते बीत गई सारी रातें, इसलिए भूल नहीं पा रहा है। मात्र वर्तमान की स्मृतियां और भविष्य की आकांक्षाएं, मात्र वर्तमान की स्मृतियां और भविष्य की आकांक्षाएं जीव को नहीं बनने दे रही हैं। सिद्ध शिला की भगवान, सिद्ध शिला का भगवान नहीं बनने दे रहे। कभी आपने देखा एक छोटा सा सोच का कीड़ा होता है, देखा आपने, वो कितना बिलबिलाता रहता है, कितना बिलबिलाता रहता है। मैंने बहुत बार देखा, कई बार आप जंगल जाना, उसको एक चींटी खींच रही, हजारों चींटियां उसके ऊपर इस छोटे से कीड़े में लगी हुई हैं, हजारों चींटियां, और वह बिलबिला रहा है, चींटियां भी उस कीड़े को नहीं छोड़ रही हैं। एक चींटी इधर से खींच रही है, एक चींटी उधर से खींच रही है, ऐसे ही हमारी वर्तमान की छोटी सी स्मृतियां इधर से खींच रही हैं और भविष्य की आकांक्षा उधर से खींच रही हैं। हम उसके चक्कर में बिलबिला रहे हैं, हमारी आत्मा कीड़ा बिलबिला रही है, हम कब उससे छूटें, लेकिन छूट नहीं पा रहे हैं। जैसे पुष्प डाल मुनराज छूट नहीं पाए थे, दृष्टि को नहीं बदल पाए थे, वो मात्र 12 वर्ष तक अपनी एकाक्षी कांख, एकाक्षी स्त्री को याद करते रहे। अगर वो भूल जाते तो नियम से जिस दिन भूल गए, कभी आंख उठाकर उन्होंने स्त्री को नहीं देखा कि कौन थी मेरी स्त्री। जब तक अपनी मेमोरी में से, एक सिम कार्ड भी होता है, जब तक उसमें से कुछ डिलीट ना करो पुराना, तो नया भरता नहीं है। ऐसे ही गोलू भैया, जब तक तुम अपनी स्मृति में से, मेमोरी कार्ड में से पुराना डिलीट नहीं करोगे, तो जो 5-4 महीने आप प्रवचन सुन रहे हो वो भी नहीं भरा जाएगा। पहले पुराना डिलीट करना पड़ेगा, पहले भूलना पड़ेगा, फिर भर पाओगे। जब तक भूलोगे नहीं तब तक भर नहीं पाओगे। आत्मा का चिंतन भी वहीं होगा जहां कसायों का समन होगा, जहां कसायों को भूल जाओगे। इसलिए हमें भूलना है। सुकमाल मुनि जब ध्यान में बैठे थे, लेकिन वह शेरनी भक्षण कर रही, क्योंकि वह भूल नहीं पाई। पुराना उसको याद था, ये मेरा, मुझे इससे बदला लेना है, मुझे इसके ऊपर वार करना है। वह भक्षण करने लगी उस मुनिराज का, लेकिन मुनिराज सब कुछ भूल गए थे। जो भक्षण कर रहा है शरीर का वो मेरा नहीं हो रहा है, जो मैं हूं उसका कभी भक्षण होता नहीं। इसलिए वो ध्यान में मग्न थे, भूल गए थे कि मेरा कोई नहीं है, वो भूल गए थे कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, मात्र मैं ही, मेरी आत्मा ही सब कुछ मेरी है।
इसलिए जो अतीत को नहीं भूल पाते, वर्तमान को संभाल नहीं पाते और भविष्य की आकांक्षाओं में लगे हैं, वो भगवान नहीं बन पाते। कभी फुर्सत मिले, कभी समय मिले तो इस मन की स्थिति को संभाल के देखना, मन से पूछना मैंने क्या किया, मैंने वचन से क्या किया, मैंने शरीर से क्या किया। जब भी शरीर की अवस्था बिगड़ेगी तो तीन कारण से बिगड़ती है, वात पित्त कफ। जब तक वात या कफ बढ़ जाए या कम हो जाए तो शरीर की अवस्था रुग्ण हो जाती है। ऐसे ही हमारे आत्मा में कसाय उत्पन्न होती है तो हमारी आत्मा बिगड़ने लगती है। हमारी आत्मा सुधरने के लिए हमें उस आत्मा को संभाल कर रखना है, भावों को संभाल कर रखना है, कसायों को छोड़ना है, कसायों को भूलना है। जो भूल नहीं पाते वो भगवान नहीं बन पाते, जो भूल नहीं पाते वो भगवान नहीं बन पाते, और जो भूल जाते हैं वो भगवान बन जाते हैं। इसलिए मुमुक्षुओ, आप 4 महीने कुछ नहीं करना, इतना करना कि सब कुछ भूल जाएं। सब कुछ भूल जाएं तो सब कुछ पा जाओगे, और सब कुछ पाना है तो सब कुछ भूलना पड़ेगा, और भूले बिना कुछ मिलता नहीं, और भूलने के साथ जो कुछ मिलेगा वही हम है। मेरी आत्मा ही मेरी है, मेरी ही आत्मा मेरी है। जो तुम याद कर रहे हो वो तुम्हारा है नहीं, जो तुम याद कर रहे हो वो तुम्हारा है नहीं, जो तुम्हारा है उसको तुमने कभी आज तक याद किया ही नहीं। मेरी आत्मा ही मेरी है जिसको तुमने कभी याद किया ही नहीं। 84 के चक्कर में इस संसार के विवरण में सब कुछ याद किया लेकिन कभी आत्मा का स्मरण नहीं किया, अपनी आत्मा का ध्यान नहीं किया। अपनी आत्मा का ध्यान कर लेते तो निश्चित ही एक दिन तू भी भगवान बन जाता, और तू भगवान बन जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा तो तू भी भगवान बन जाएगा। इसलिए हमें सब कुछ भूलना है और भगवान बनना है तो सबको आज से सब कुछ भूल जाओ, मात्र एक ही चीज़ याद करो, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान हूँ, मैं भी भगवान। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। शांतिराम स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज आदि भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज
आ चिरूर विरांग सागर मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थ और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही बरसते हैं। तीर्थंकर दिनेन्द्र के पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनीष्यो जगत कल्याण है ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को भूतार्थ सत्यार्थ का बोध प्रदान किया है। वे जीव धन्य है जिन्होंने जिन श्रुत निर्धन गुरु के आश्रय को प्राप्त किया है। वे जीव धन्य है जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लिया है। वे जीव धन्य है जिनको मित्र अपने अंतस में स्वयं के जीवन का भान है, जिनको अपने जीवन का भान है वे ही जगत पर जीते जीव है। अपने प्रमाण का प्रयोग अपने ज्ञान का प्रयोग पर पदार्थों पर लगाने वाले विज्ञ जगत में बहुत है। अपने ज्ञान का प्रयोग स्वयं की प्रज्ञा का प्रयोग स्वयं की आत्मा के लिए लगाने वाले बहुत अल्प लोग हैं। अनेकांत तो शादबाद की दृष्टि से जीने की दृष्टि जिसने बनाई है वे भारत वसुंधरा पर ही नहीं विश्व वसुंधरा पर बिरले लोग हैं। व्यक्ति को शांत बैठ करके उसे भी समझना चाहिए जिसके माध्यम से हम जगत के चाक्षुष द्रव्यों को समझ रहे हैं। पुनः सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, शांत बैठ करके उसे भी समझना चाहिए जिसके माध्यम से जगत के चाक्षुष द्रव्यों को आप समझ रहे हो। घना आनंद जीव को आएगा, परम आनंद जीव को आएगा जब जीव अपने ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान को समझने की चेष्टा करेगा। मैं ज्ञाता हूं, मैं जानने वाला हूं, जानने वाला जो मैं हूं तो मैं जो भी जान रहा हूं बाह्य लोक को ही जान रहा हूं कि आत्मलोक को भी जान रहा हूं। जो बाह्य लोक है वो कितना विराट है, बाह्य लोक है कितना विशाल है, ऐसे विशाल बाह्य लोक को जानने की क्षमता जिसके पास है वो आत्मलोक को नहीं जान पा रहा है, क्योंकि बाह्य लोक को जानने के लिए आंखों का प्रयोग होता है, बाह्य लोक को जानने के लिए नेत्रों का प्रयोग है, आत्मलोक को जानने के लिए नेत्रों का प्रयोग नहीं है। बाह्य लोक का वेदन करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है। सभी मुमुक्षु ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, बाह्य लोक को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता है, आत्मलोक को जानने के लिए इंद्रियों की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आत्मलोक को जानने के लिए इंद्रिय की किंचित भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। इंद्रियां उसे ही देखती हैं, इंद्रियां उसे ही सूंघती हैं, इंद्रियां उसे ही सुनती हैं, इंद्रियां उसे ही स्पर्श करती हैं, इंद्रियां उसे ही चखती हैं जो पर वस्तु है। है कोई समर्थवान इस श्री सभा में जो अपनी आंखों से अपनी आंख को देख के बता दे?
है कोई समर्थन सभा में, अब जो अपनी आंखों से अपनी आंखों को देख के बता दे, हो सकता है तुम्हारी बुद्धि चल रही होगी, रितेश सोच रहे कि मैं दर्पण रख के बता दूंगा। आप दर्पण रख के जो बताओगे ना, वो परछाई होगी, तुम्हारी आंख नहीं होगी। आप अपनी आंख से अपनी आंख को दिखा के बता दीजिए, अपने नेत्रों से अपने नेत्रों को दिखा के बता दीजिए। ऐसा कोई वसुंधरा पर पंचम काल में ही नहीं, तृतीय काल में भी, चतुर्थ काल में भी, संसार में षट काल की प्रवृत्ति है, ऐसा कोई भी काल नहीं आया है जिस काल में किसी पुरुष ने, किसी स्त्री ने, किसी नपुंसक ने, किसी बाल ने, युवा ने, वृद्ध ने, यानी अपनी आंखों से अपनी आंख को देखा। अपनी आंख से अपनी आंख नहीं देख पाए, अपनी नाक से अपनी नाक नहीं सूंघ पाए, अपनी नाक से अपनी नाक नहीं सूंघ पाए, अपने कान से अपने कान की आवाज नहीं सुन पाए। ओ ज्ञानी, अपने स्पर्श से अपने स्पर्श का आनंद नहीं ले पाए, रसना से रस का आनंद नहीं आया, रसना से रसना के रस का आनंद नहीं आया। क्या तुम बड़ी बातें कर रहे हो, मैंने चख लिया चख लिया। हे मानव, अब तो विवेक जग जाना चाहिए। आपने जो कुछ किया है, आपने जो कुछ किया है, मालूम मालूम मालूम। डॉक्टर जिनेंद्र भैया, यदि कोई ये चंदू भाई पड़ोस में पड़े, किसी व्यक्ति कपड़े पहन के उस सभा में सूट पहन के खड़ा हो गया, देखो बाबूजी मैं कैसा लगता, और जैसी का जैसे देखो मैं कितना सुंदर लगता हूं। उसी बीच में कहा, क्या सुंदर लगते हो मालूम, एक कपड़े किसके पहन के आए हो, ये घूरे पर किसी सम्राट के पड़े थे तुम उठा के लाए हो। और जैसे सुनता है तो अपने आप में हिचक जाता, सोचता कि ओ ये तो मेरी पोल खुल गई, एक कपड़े तो मैंने घूरे से उठा के लाया हूं और उसको मैंने पहन लिया है। यानी दूसरे के उतरन को पहन करके तुमको शर्म आती है, इधर देखो मेरी तरफ। ज्ञानियों, दूसरे के उतरन को देख करके तुमको शर्म आती है, ज्ञानियों दूसरे के उतरन को पहन करके तुमको शर्म आ रही है। ऐसे ही संसार में जो भी इंद्रियों के भोग है वो तुम्हारे है ही नहीं है, दूसरे के उतरन ही है। एक भी वस्तु तुम्हारी नहीं है। जो जो बाही ग्रह हैं, जो जो बाही ग्रह हैं, जो जो बाही प्रमेय हैं, वे सभी पर वस्तु हैं। बड़े डीक मारता जी प्रदीप भैया कहते कि हो गुरु जी मैं पर वस्तु को ग्रहण नहीं करता हूं, गुरु जी मैं पर वस्तु ग्रहण नहीं करता हूं। मित्र, क्या तुम अहंकार में जी रहे हो, पर वस्तु से तुम मेरे मित्र संसार में खड़े हो, इसका मतलब पर वस्तु के साथ हो। उतार दो अपना अहंकार। राजकुमार गंगवाल जी कहते गुरु जी मैं तो किसी की वस्तु को छूता भी नहीं हूं। अरे मैं तो छूता नहीं है, ये बात कहने के लिए पर वस्तु का ही आलम्बन ले रहा है। मैं किसी की वस्तु को छूता ही नहीं हूं, छूते नहीं हो। ओ ज्ञानी, छूते नहीं हो, ये देह तुम्हारी कब से है, देह आपकी कब से, कमल पाटनी जी मित्र देह आपकी कब से है। इस देह को ही आत्मा ने स्वीकार किया है, पहुंचो उच्च शिखर के पास। यूं कह रहे हैं मैं किसी की धरती पर नहीं रहता हूं, यूं कह रहे मैं किसी के बर्तनों में नहीं खाता हूं, यूं कह रहे मैं किसी घर का भोजन नहीं करता हूं। मित्र, तुम कौन सी बड़ी बात कर रहे हो, आपका जीवन होना ही पर वस्तु है,
आपका जीना ही पुरवस्तु है, आपका जीना ही पुरवस्तु है। एकमात्र लोकाकाश में, एकमात्र लोकाकाश में निज प्रमाण प्रमेय में जीने वाला कोई है? एकमात्र लोकाकाश में, इस लोकाकाश में कोई अपने आप में रहने वाला जीव है? उसका नाम अरहंत देव भी नहीं है। जो एकमात्र अपने में रहने वाला जीव है, अपने में ही रहता है, उसका नाम मात्र मात्र सिद्ध परमात्मा है, जिसमें किसी का मिश्रण नहीं है, किसी का मिश्रण नहीं है, किसी का मिश्रण नहीं है। श्रीअंश मित्र जो सुन रहे हो ना, इस शब्द को जानने के लिए, इस शब्द को जानने के लिए, जैन मुनि का भेष बनाने के लिए तुमको कपड़ा फेंकना पड़ते, कपड़े उतार के फेंकना पड़ता है, नग्न होकर जीना पड़ता है। मित्र सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जैन मुनि बनने के लिए आपको कपड़े उतार के फेंकना पड़ते हैं। जैन मुनि बनने के लिए, जैन मुनि बनने के लिए कपड़े फेंकना पड़ते हैं, शरीर को नंगा करना पड़ता है। जैन तत्व को समझने के लिए बुद्धि को नंगा करना पड़ेगा, तब तुमको समझ में आएगा तत्व। जिसकी बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी मेधा, जिसकी मति नाना प्रकार के संकल्प विकल्पों के परिधान पहने हुए है, जिसकी बुद्धि में नाना प्रकार के तनाव के कपड़े पड़े हुए हैं, जिसकी बुद्धि में परिवार कुटुंब की चिंता की रस्सियां पड़ी हुई है, वो बुद्धि जिन वाणी के गुण रहस्य को समझ नहीं सकती है। सोच रहे थे हम साहूकार हैं, सोच रहे थे हम साहूकार हैं, हम किसी की वस्तु को छेते ही नहीं है, किसी की वस्तु को छेते ही नहीं है। तुम जिस नए से बोल रहे हो ये व्यवहार न है, अब जिस नए से बोल रहे हो ये स्थूल व्यवहार है, जिस नए से बोल रहे हो वो उपचरित न है, उपचरित विभाग न है। लेकिन जहां मैं देख रहा हूं वो परम शुद्ध निश्चय न है, निश्चय नहीं भी नहीं, परम शुद्ध निश्चय न है। एक बार कम से कम ये भव्य जीवों को, इन पुण्यात्मा जीवों को, कक्का हम ये मानते कि ये कलयुग में इतने भाग्यवान जीव हैं, कक्का इस बात को समझे भाग्यवान जीव हैं कि पंचम काल में देव कुमार जैसे विद्वान अहो मनीषी यही पुण्य स्वीकार करो, अहो मनीषी यही पुण्य स्वीकार करो। इस प्रिया में जब तक इस देह में चैतन्य भगवान आत्मा है तब तक आप सत्य को सुनने का अवसर मिल रहा है, नहीं तो जगत में लोग इसे ही धर्म मान रहे हैं। बोले मालूम अशोक कक्का ने 1 करोड़ रुपया दान दे दिए बरही में, सो मित्र खुश हो गया, बोले महाराज जी हमने अपना सब छोड़ दिया। तो नरेंद्र भाई ने एक भवन मित्र डोंगरगढ़ में बना के रख दिया, एक भवन पथरिया में बना के रख दिया, और पता नहीं नागपुर में, रायपुर में कहां कहां भवन खड़े कर दिए। और जीव कहता गुरु जी हमने गुरु छाया से सब कुछ दान कर दिया है। हे मित्र, दुनिया के लोग नरेंद्र भैया आपको दाता कहेंगे, लेकिन इसमें विशुद्ध सागर आपको दाता नहीं कहेंगे। दाता उस दिन कहलाओगे, दाता उस दिन कहलाओगे जब दूसरे का द्रव्य नहीं दोगे। आपने क्या दिया भैया, बुरा नहीं मानना, मित्र आपने क्या दिया, आपने दिया भी तो क्या दिया जो तुम्हारा था ही नहीं। पंडित जी आप तो अवभाग्य मानो, इस समय
जिसे लोगों ने अपना देना कहा है, इस बात को तो दुनिया आपकी ताली पिटवाती है, दुनिया हमारे नरेंद्र के गले में माला डालती है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र अब किसी की फांसी में फंसे। हम नहीं चाहते कि मित्र किसी बेचारे भाग्यवान जीव को तुम पुण्य की फांसी उसके गले में लटका दो। अब मैं यूं कह रहा हूं नरेंद्र, बिल्कुल खुश मत होना, जो पूर के पुण्य के नियोग से द्रव्य आया है वो जा रहा है, हमारा क्या जा रहा है, तुम्हारा उस दिन जाएगा जिस दिन तुम मित्र, जिस दिन तुम मित्र पांच पाप का त्याग कर करके परमेश्वर के पर आसीन हो जाओगे, तब तुम्हारा विभाव का त्याग होगा। लेकिन परम स्वभाव की दृष्टि से व्याख्या करूंगा तो आज तक इस वसुंधरा पर मेरा कभी कुछ जाने वाला नहीं है। मेरा ज्ञान छूट नहीं सकता, मेरा दर्शन छूट नहीं सकता, मेरा चारित्र छूट नहीं सकता, मेरा सम्यक छूट नहीं सकता। आत्मा का लक्षण उपयोग है, उसका विनाश हो नहीं सकता है। हे मित्र, जब आत्मा का मोक्ष होगा, वो आत्मा का मोक्ष नहीं है, कर्मों का प्रतिकीकरण है। कर्मों का प्रतिकीकरण है, उसको मोक्ष कहते हैं, मोक्ष। और आत्मा के अंदर विकारों का अभाव हो जाना, उसका नाम निर्वाण है। कर्म का मुंच 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 धातु प्रतिकीकरण में होती है, मुंचती मुंचता मुंचंती, मुच्यसी मुचता मुच्छत, मुच्छामी मुंचावा मुंचामः, अहम मुंचामी अहम मुंचामी, कृष्ण कर्म मुंचामी, तत्पुरुषार्थम करोमि अहम। मुंच धातु मुक्ति अर्थ है, छोड़ने के अर्थ में निर्वाण, निर्वाण। अब निर्वाण, निर्वाण बाण बाण धनुष बाण, बाण यानी धनुष बाण, निर्वाण। हे मित्र, काम बाण शून्य, क्रोध बाण शून्य, लोभ बाण शून्य, माया बाण शून्य, ओहो माया बाण शून्य, लोभ बाण शून्य, इन बाणों से शून्य आत्मा हो चुकी होती है, उसका नाम है निर्वाण। इसलिए द्रव्य कर्म का अभाव हो जाना, ये मुंच धातु मोच कह रही है, और भाव कर्मों का अभाव करके मेरे मित्र जीव निर्वाण की ओर जा रहा है। इसलिए निर्वाण कांड, निर्वाण दीक्षा, शास्त्री जी, प्रोफेसर साहब, देव कुमार जी, हे मित्र, इन वेदांगी ऋषियों के लिए आपने मुनि कहा, आपने योगी कहा, आपने भदंत कहा, आपने ऋषि यति कहा, आपने इनको ज्ञानियों भदंत कहा है। आपको एक शब्द का और प्रयोग कर लेना चाहिए, ऋषि यति रे मुनि बिच्छू तापसा संयो यति तपसा संयोगी पांतु पांतु पादियो। धनंजय कवि नाम माला ग्रंथ में इन मुनियों का, ऋषियों का नाम ले रहे हैं, ऋषि हैं, यति हैं, भिक्षु हैं, तापसी हैं, तापस हैं, मित्र, ये मुनियों के नाम हैं। लेकिन इन नामों में भी वो नाम नहीं आया जो नाम प्रत्येक श्रमण को, प्रत्येक श्रावक को लेना चाहिए। ज्ञानियों, ये प्रावज्जा जो है, ये जो प्रावज्जा श्रवणों की, ए मित्र श्वेत नहीं है, ये प्रावज्जा श्रवणों की, ये नीली पीली भगवान ही है, ये प्रावज्जा जो श्रवणों की है, इस दीक्षा का नाम जो है, इसका नाम है निर्वाण दीक्षा। मुनियों की दीक्षा का नाम सुना आपने आज तक? नहीं सुना तो रारा लिख ले ज्ञानी, निर्वाण दीक्षा। ये जितने यहां बैठे हुए हैं, ये निर्वाण दीक्षित है।
ये सब के सब निर्वाण दीक्षित हैं। स्वर्ग जाने के अनेक साधन हो सकते हैं, नरक जाने के अनेक साधन हो सकते हैं, पंडित साहब पशु बनने के अनेक साधन हो सकते हैं, मनुष्य बनने के अनेक साधन हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष जाने का एक ही साधन है, उसका नाम है निर्वाण दीक्षा। दक्षिण भारत में विराजो ज्ञानी, आपके प्रश्नों का समाधान, दक्षिण भारत में मालूम राजेश, वहां के श्रावक ऐसा नहीं पूछते कितनी मुर्दाज आए हैं, कितनी ठाणी आए हैं, कितनी पिक्षा आई हैं, इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। जो पुराने श्रावक दक्षिण में, वे कितना सुंदर प्रयोग करते हैं, कितने निर्वाण दीक्षित हैं। अब जयेश उन्होंने कहा कितने निर्वाण दीक्षित हैं, अब ध्यान से सुनना, जयेश उन्होंने कितने निर्वाण दीक्षित हैं तो आप सुन लीजिए, एलक छुल्लक आरका छुल्लिका ब्रह्मचारी सबकी छटनी हो गई, एक भी निर्वाण दीक्षित नहीं है। छुल्लक निर्वाण दीक्षित नहीं है, आरका निर्वाण दीक्षित नहीं है, ब्रह्मचारी निर्वाण दीक्षित नहीं है, एलक छुल्लिका निर्वाण दीक्षित नहीं है, तो फिर निर्वाण दीक्षित कौन? एकमात्र निर्गंत मुनिराज ही निर्वाण दीक्षित है। शेष भूषों में निर्वाण नहीं होता है, निर्गंत लिंग में ही निर्वाण होता है, ये निर्वाण दीक्षित है। अहो अवसर ऐसा आए दोष जी, रायपुर की समाज रायपुर के ही श्रावकों को निर्वाण दीक्षित देके पड़गान करे। ऐसा दिन आएगा, नियम से आएगा, किसी भाव में तो आएगा, बिना आए बिना वो संस्कार काम कर रहे हैं, संस्कार काम कर रहे हैं, ये यहां आए हैं तो जरूर कभी यहां भी आएंगे। विराजो ज्ञानी निर्वाण दीक्षा, अब इनको करना है क्या है? इनके ज्ञानी आ गया है, मित्र निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करो। अब कोई आशीर्वाद दिया जाए ना तो निर्वाण दीक्षा प्राप्ति हो, तो आपको निर्वाण दीक्षा की प्राप्ति हो। ये दुनिया ने आशीर्वाद दिए, जगत में आशीर्वाद क्या होते हैं मालूम? आयुष्मान भवा, श्री संपत्ति भवा, ज्ञानियों दूधो पूतो फलो फूलो, ये आशीर्वाद होते हैं। पर श्रवण संस्कृति आशीर्वाद क्या देती है? निर्वाण दीक्षा को प्राप्त करो। धर्म वृद्धि अस्तु, समाधि रस्तु, दर्शन विशुद्धि अस्तु, पाप क्षय अस्तु, यहां के नमस्कार आशीर्वाद में भी भेद है, नमस्कार आशीर्वाद में भी भेद है। किसी को इच्छा में होता है, किसी को बदनामी होता है, किसी को बंधना होता है, नमोस्तु पंच परमेश्वरी को होता है। आरका को बदनामी बोल रहे हो आप, चुल्लक इलक को इच्छा में बोलते हो, ब्रह्मचारी को वंदना कर रहे हो, वीतरागी श्रमण को नमोस्तु बोलते हो। हे मित्र, कोई चांडाल आके नमस्कार करे तो उसको भी आशीर्वाद दिया जाएगा, परंतु कैसे दिया जाएगा? पाप छे उसको, तेरे पाप का क्षय हो। हर जीव को एक सा आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। कोई पापी चांडाल आया, उसको आशीर्वाद देना चाहिए, लेकिन क्या बोलोगे आप? पाप छे उसको, तेरे पापों का क्षय हो। कोई मिथ्या दृष्टि आ गया, दर्शन शुद्धि, तुझे सम्मित की प्राप्ति हो, दर्शन तेरा विशुद्ध हो जाए। हे मित्र, कोई धर्मात्मा जीव आ गया, यदि नरेंद्र मोदी कहता भाई, ओ प्रकाश मोदी, दोनों एक साथ आए, बोले गुरुजी प्रणाम, धर्म वृद्धि रस्तो, तुम अपने धर्म की वृद्धि करो,
कोई साधु संतों ने नमस्कार किया है, चुल्लक के लिए नमस्कार किया, समाधि रस्तो, समाधि रस्तो, तुम समाधि को प्राप्त हो। मुद्राज नमस्कार कर समाधि रस्तो, योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार, ये रहस्य पकड़िए, योग्यता के अनुसार नमस्कार और योग्यता के अनुसार आशीर्वाद, न कि परवादवाद। ओहो, योग्यता के अनुसार नमस्कार, योग्यता के अनुसार आशीर्वाद, न कि जातिवाद। योग्यता के अनुसार नमस्कार, योग्यता के अनुसार आशीर्वाद, सुधीर भैया, न कि प्रांतवाद। ओहो, ये रेंस की विद्याएं, रितेश भाई इधर देख ज्ञानी, रहस्य की विद्याएं सीखना चाहिए। इस आशीर्वाद और नमस्कार ने मालूम क्या किया, अनेकांत से आवाज बुद्धि को खड़ा करके और आपको बोध करा दिया। आशीर्वाद नमस्कार ने क्या किया, गहनता में जाइए कि ओहो, बैठो सुधीर भैया, नमस्कार आशीर्वाद की विधि ने, आप लोग अंदर प्रवेश करो, अंदर प्रवेश करो, रहस्य में जाइए। इसने परवारवाद का खंडन कर दिया, इसने जातिवाद का खंडन कर दिया, इसने क्षेत्रवाद का खंडन कर दिया, इसने देशवाद का खंडन कर दिया। तुम किसी भी देश के नागरिक हो, किसी देश से साधु हो, यदि दिगंबर हो, मुनिराज हो, नमोस्तु आपको होगा, आप मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आप बुंदेलखंड के हो, कि छत्तीसगढ़ के, बघेलखंड के, कि कर्नाटक के, महाराष्ट्र, किस प्रांत के, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। आप दिगंबर मुनि, नमोस्तु करूंगा। आप किसी प्रांत के हो, माता जी हो, वंदना में करूंगा, चुल्लक एकलक इच्छा में करूंगा, ब्रह्मचारी वंदना करेंगे। मित्र, तुम किसी भी देश के, राष्ट्र के, किसी भी क्षेत्र के श्रावक हो, यदि चांडाल है तो पाप छेस्तु, धर्मात्मा है धर्म वृद्धि रस्तु, और ज्ञानी साधक है समाधि रस्तु। मित्रियां, योग्यताओं को देख के नमस्कार हुआ है और योग्यताओं को देख के आशीर्वाद हुआ है। इस बात को श्रमणों से दुनिया को सीखना चाहिए। ये हर व्यक्ति को एक सी बात नहीं कहते, हर व्यक्ति को एक सी बात नहीं कहते, और हर व्यक्ति को एक साथ देखने लग जाएंगे तो अनेकांत का विनाश हो जाएगा। ओहो, ये रहस्य को सुनिए ज्ञानी, रहस्य को सुनिए। और आज सुब्रत साग जी लोकमान तिलक के पास एक प्रश्न गया, बोले आप भारत में खुश क्यों रहते हो। लोकमान तिलक के पास एक प्रश्न गया, तिलक जी आप अपने देश के बारे में इतनी महिमा क्यों गाते हो। तिलक जी से कहा, अपने देश के इतनी महिमा क्यों गाते हो। तो लोकमान तिलक जी ने कहा, आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया के देशों में लकड़ी मिल सकती है, रोटी मिल सकती है, खाने पीने की बहुत सारी वस्तु मिल सकती है, लेकिन मैं उस देश का नागरिक हूं जिस देश में श्यादवाद अनेकांत की आंख होती है, मैं उस देश का नागरिक हूं। श्यादवाद सारे विश्व में नहीं मिलता है। बोले अहिंसा और श्यादवाद का सम्मेलन, अहिंसा श्यादवाद का सम्मेलन, दुनिया में गुणों को देखना सीखो, दुनिया में गुणों को देखना सीखो, और मित्र अवगुणों को देखना भी सीखो। विधायक जी, कोई व्यक्ति आपसे ये बोल दे कि दुनिया में गुणों को देखना सीखो, उसकी पूरी बात मत मानना, मतलब वो आपका अहित करा देगा 100%। देख बालक हार्दिक, खड़ा हो जा, दुनिया में गुण देखना सीखो। आप दुनिया में गुण देखने चले गए ना, आपका 100% अहित हो जाएगा। बोले ये क्या बोल रहे हैं। यही बोल रहा हूं क्योंकि आपको पढ़ाने वाले लोग ये बुद्धि से बताने वाले लोग हैं, हृदय से नहीं बता रहे हैं।
दुनिया में गुण देखो, अनर्थ हो जाएगा। यानी दुनिया में गुण दोष देखो, तुम बच जाओगे। जैसे एक ही वस्तु गुण रूप है, एक ही वस्तु दोष रूप है, उभयात्मक वस्तु है, उभयात्मक वस्तु है। हार्दिक, ये मुरझात बैठे हैं छोटे से 19-20 साल के, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं? ये निर्गुण चक्र अच्छे हैं, अच्छे ना? ठहरिए, ये अच्छे हैं, अच्छे ही हैं, अच्छे ही हैं। सुनिए, आप राग से बोल रहे हो, आप भक्ति से बोल रहे हो, आप अपने संप्रदाय से बोल रहे हो, आप सत्य से नहीं बोल रहे हो। आप राग से बोल रहे हो, आप भक्ति से बोल रहे हो, आप भक्ति से बोल रहे हो, आपको ऐसे बोलना चाहिए, परंतु आप सत्य के साथ नहीं बोल रहे हो, साधवाद से नहीं बोल रहे हो, एकांत से बोल रहे हो। घबरा तो नहीं रहे आप? ये अच्छे हैं। बालक देख मेरी तरफ, कोई कन्या इनके साथ शादी करना चाहती थी, कोई कन्या इनके साथ शादी करना चाहती थी, उसने कहा मैं आपको अपना पति बनना चाहती हूं। इन्होंने कहा मैं तो साधु बनने जा रहा हूं। बेटा बोलिए, उस कन्या के लिए अच्छे हैं कि बुरे? बोलो जोर से ना। तो आपने कहां बोला? आपने तो ये बोला अच्छे, तो तेरे लिए ना अपेक्षा के सामने, अपेक्षा के सामने सात बात एकांत का विरोधी होता है। शायद बाद में एकांत नहीं लगता, आपको बोध होना चाहिए श्री राम अच्छे थे कि नहीं, श्री राम अच्छे थे कि नहीं। हमारे लिए, विशुद्ध सार के लिए अच्छे थे। बेटा रावण के लिए बोलिए, क्यों? रावण के लिए, जिस वस्तु में तुमको अच्छाई दिखती है उसमें किसी को बुराई भी दिखती है, किसी को बुराई भी दिखती है। अब मेरा प्रश्न है, वो कहां? शरद कुमार जी आए थे आज प्रवचन में बिराजो। पंडित जी आपसे मेरा प्रश्न है, आप विधायक जी के बगल में जाके पहुंच गए हो, और विधायक जी प्रतिदिन 2 लीटर दूध पीते हैं। पंडित शरद जी एक मिनट खड़े तो हो ना आप। पंडित जी आप विधायक जी के बगल में जाके बैठ गए हो, वो मित्र शुद्ध सरदारी गिलासों से 2 लीटर दूध पीता रोज, और आप कितने लीटर पीते हो? एक घूंट पीते हो। प्रश्न यह है, दूध अच्छा है कि बुरा? दूध अच्छा है कि बुरा? बुरा क्यों नहीं बोला, अच्छा क्यों नहीं बोला? विधायक जी भैया विश्वास मानो, ये भारत की भूमि पर नहीं विश्व वसुंधरा पर, आज कोई व्यक्ति विश्व को अखंड देखना चाहता है तो अनेकांत सियादबाद की आंख खोलना पड़ेगी। यदि ये कह रहे मैं एक घूंट दूध पीता हूं, वो विधायक जी 2 लीटर दूध पीते हैं, मित्र सामने वाले को देखना चाहिए, एक का शरीर स्वस्थ है, वो दूध पचाने की क्षमता रखता है। वो मित्र यदि वो दूध नहीं पियेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और तुम ज्यादा दूध पी लोगे तो मर जाओगे। हो बराबर बिराजो,
तो हर वस्तु अच्छी है ये सत्य है क्या? हर वस्तु अच्छी है ये सत्य है क्या? हर वस्तु में गुण होते हैं, हर वस्तु में गुण होते हैं, अच्छी बात है। ज्ञानी व्याख्यान करते समय बहुत विवेक की आवश्यकता है, और जितना ज्ञाता व्याख्याता होना चाहिए उससे कई गुना ज्ञानी श्रोता को होना चाहिए। श्रोता ज्ञानी नहीं है वो घर में जाके अनर्थ कर देगा, मित्र अनर्थ कर देगा। रितेश हलचल ने उठ के जाना नहीं जब तक प्रवचन समाप्त ना हो जाए, और जिनको बीच में जाना होता ना उनसे कहना तुम बगल में बैठा करो। ओ मित्र ये सामान्य विषय नहीं है, दुनिया यही कहती थी आज तक हर वस्तु में गुण होते हैं। और फिर मैंने कहा आपके विधायक जी से, मित्र संसार में छले मत जाना, हर वस्तु में गुण होते हैं, गुण ही होते हैं कि दोष भी होते हैं, गुण ही देखना चाहिए, गुण ही देखना चाहिए, ये गुण ही देखना चाहिए। ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने सबको रटा के रखते, गुण ही देखना चाहिए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इधर देखो मोदी जी, वो बनारसी पंडित आपको पाठ पढ़ा दिए, गुण ही देखना चाहिए। तो मालूम चम्मिल नदी के अंदर, चम्मिल नदी के अंदर बड़े बड़े मगरमच्छ, और उस नदी के किनारे से आए कंगे अशोक भाई। मित्र जिस किनारे पर आप ठहरते हो, आपका तीर्थ है, वो चम्मिल की मगरों के बीच में है। हर वस्तु में गुण देखना चाहिए ना आपको, तो आपको नदी में उतर करके मगरमच्छ के दांत देखना चाहिए, उसमें भी गुण होते हैं। आपको जाकर के उसके मुख में रोटियां खिलाना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं करते आप? तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने ही नहीं, सनातन परंपरा से जिन ऋषि मुनियों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने आपको दया करना तो सिखाया है, लेकिन विवेकहीन दया करना नहीं सिखाया। मगर मच्छ को खिलाना है तो चंबिल के पुल पे खड़े होकर नीचे रोटी डाल देना, लेकिन चंबिल में नीचे उतर करके खिलाने मत जाना, नहीं दोबारा तुम अपने बच्चों को नहीं खिला पाओगे। हर वस्तु में गुण होते हैं। यानी कांटे में भी गुण होता है, कांटे में भी गुड़ होता है, दोष ही नहीं होता, गुड़ भी होता है। वो कांटा चुभ जाए दूसरा तो कांटे से निकाल लेते हैं, पर ज्ञानी इसका मतलब ये नहीं है कि जेब में रख के चलना चाहिए। जिस कांटे से तुम्हारे पैर का कांटा निकल आया कक्का, उस कांटे को जेब में रख के चलना चाहिए ना, तो फिर गुड़ ही देखना चाहिए क्योंकि गुड़ दोष देखना चाहिए। अब बोलिए, बोलो बोलो जोर से, मौन नहीं है किसी का। आपको गुड़ ही देखना चाहिए कि गुड़ दोष देखना चाहिए? बिन जाने ते दोष गुड़न को कैसे तजिए, कैसे कहिए? जब तक दोष का ज्ञान नहीं होगा तो गुणों को ग्रहण कैसे करोगे, और गुणों का ज्ञान नहीं होगा तो दोष का त्याग कैसे करोगे? बराबर विराजो। घृत में गुड़ होता है, आयुर्वेद शास्त्र में प्राणवायु अंग में घृत को आयु लिखा हुआ है। घृत को आयु 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 बढ़ाने के काम में आता घृत। लेकिन मित्र जिसको बुखार चढ़ा है उसे घृत के आयु बढ़ाने मत कह देना, आयु को क्षय कर देगा। जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा हुआ है उसे घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसको सर्दी हो जाए उसे घी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो खांसी और हो जाएगी। हे मित्र, सीमा में प्रयोग करोगे
तो श्वास लाभ मिलेगा, और सीमा के बाहर जाओगे तो कंठ रुंध जाएगा। दोष की गुण, सोनू आपकी पत्नी में गुण है कि दोष? खड़े हो जाओ, पिटो, तुम पिटोगे मैं थोड़ी पिटने आऊंगा, बोलिए हैं, जोर से बोलना। समाचार घर में पहुंच भी तो टेंशन मत ले, बोल जोर से। और तेरे अंदर हाँ, कम से कम इस प्रवचन की ये महिमा तो है, लोग सत्य बोलना सीख गए। दोनों ही ना, बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बोल रहे हूं। हे मित्र, जब मेरे अंदर भी दोष गुण हैं, दूसरे के अंदर भी दोष गुण हैं, हम तो दूसरे के दोष ज्यादा क्यों देखें, दूसरे गुण जान करें। अपने गुणों का आनंद लूटो, अपने दोषों का नाश करो। दोनों हैं। यदि संसार में कोई भी पुरुष ने गुण ही गुण देखना सीख लिए, वो उसका विकास रुक जाएगा। सिर में भी गुण होता है, कांटे में भी गुण होता है, हर वस्तु में मालूम, जहर में गुण होता है, शंख, संखिया, कुचला, ये जहर है, इनमें गुण होता है। वो डॉक्टर साहब बैठे हैं, वैद्य जी पूछो, शंख, संखिया, कुचला, ये जहर होते हैं, इनमें गुण होता है, इनमें औषध बनती है, वो ऐसे औषध बनती है व्यक्ति की प्राण बचा लेती, ऐसी दवाई बनती है। लेकिन मेरे मित्र, उन दोषों को भी सोध दोगे तो गुण हो जाएंगे, और गुणों में भी मिश्रण कर दोगे तो दोष हो जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुनील जैन, श्रीमती मंजू जैन, प्रभात नगर मेरठ, स्वर्गीय श्री फकीर चंद जैन, स्वर्गीय श्रीमती सरोज देवी जैन, चिलकाना, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री घीसूलाल जी पाटनी, श्रीमती इंदु जी जैन, पायल जी जैन, हर्ष जैन, यामिनी जैन, अजमेर, राजस्थान,